हाइलेक्स देखने हैं, तो दिस इज द टोयोटा हाइलेक्स 2023 मॉडल एंड अभी गाड़ी के बारे में कुंदन और टाइम हमारे पास है नहीं है ना? नहीं भैया, इतने में अगर किसी का पिछवाड़ा आ जाता है तो ठीक है, वरना नहीं बैठ सकता। चाचा ने जो ब्रेक मारी है V4, अब हम निकल गए हैं फाइनली इतने टाइम बाद अपनी Ducati V4S पे। And guys, I'm telling you, I was fucking missing this power out. I was just missing this beast. इतने दिन बाद ये जो बाहर निकली है भाई, फील आ गए, फील फील फील। Ducati is Ducati baby. भाई बैरन अल्फा आ गया बाहर, अब रोक लो। ये है XUV 700 और हो सकता है, क्या पता, हो सकता है घर पे आ जाए, एक महीने में आ जाए। One can never say what can happen. That is how we roll in cities with the Tennessee D Torque out fluorescent, because normal मिल जाता है इंडिया में, fluorescent नहीं मिलता इंडिया में। तो guys enjoy करो भाई, भाई लोग आप लोगों के लिए यही सब कर रहे हैं और यहाँ वहाँ हर जगह 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 जहाँ जहाँ आप बोलो आप सबको लेके जाते हैं हम ब्लॉग के लिए। एंड भाई अगस्ता भाई की डेथ के बाद से मैं पहली बार डुकाटी चला रहा हूँ या कोई भी बाइक चला रहा हूँ। आप सोच लो अप्रोक्सीमेटली 10-15 दिन हो गए हैं उस चीज़ को और हिम्मत नहीं बैठ रही थी भाई इतनी पावरफुल बाइक पे दोबारा बैठने का। देखो मैं नहीं कह रहा भाई की गलती है, भाई की गलती नहीं है, जो भी गलती है वो सामने आ ही जाएगी। सब लोगों पे FIR हो गया है एंड कुछ लोग जाके घर पे मिलके भी आए हैं, पर एक है हराम ज़्यादा, वो अभी भी नहीं गया और वो अपने नॉर्मल रेगुलर व्लॉग्स कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो देखते हैं गाइस कैसा रहता है क्या रहता है, बट बहुत बुरा हुआ यार उसके बाद से, मतलब हिम्मत ही नहीं बैठ रही है यार कि दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट करें या दोबारा बाइक पे बैठे, बिकॉज पावर इतनी है बंदा एकदम ना झिझोल सा जाता है। ऐसा कुछ अगर तुम्हारे सामने हो ना, प्रूफ नहीं है तो पेंट का देख लेंगे क्या होगा, बाकी गोप्रो फक से अंदर रख देंगे हम अपने हाइड्रेशन बैग में, जो जैसे सबको पता है कि कार्बोनाटो का है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और उसके बारे में भी मैंने ब्लॉग कर रखा है। बहुत ही अमेजिंग हार्ड शेल बैग है एंड मैं इसको ज़्यादातर राइड्स में यूज़ करता हूँ। मैंने कार्बोनाटो को बहुत मैसेज किए थे कि भाई कोशिश करो ऐसा कुछ रेड में निकालने का, आप लोग भी एक बार अगर मैसेज करोगे तो वो सुन लेंगे, बिकॉज डुकाटी के साथ अगर रेड हार्ड शेल रहेगा जैसे कार्बोनाटो ने अपने टर्टल बैग में निकाला है तो भाई सीन ही अलग होने वाला है, सीन। मैं कह रहा हूँ एक दिन इसको भी पीछे बिठाते हैं और इसको राइड कराते हैं, एक बड़े टेडी बियर को राइड करा के लाते हैं, बिकॉज पिलियन सीट तो है नहीं। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई एक पिलियन राइड करो, हमें डुकाटी पे बिठाओ राइड कराओ, तो भाई इसमें पिछवाड़े पे सीट है नहीं और जो सीट है जो आती है वो 50,000 की आती है, तो आप सोच लो भाई कि 50,000 फूक के वर्थ है नहीं है, तो वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। बाकी अगर मैडम जी कहेंगी तो फिर तो लाना ही पड़ेगा, फिर तो करना ही पड़ेगा। बस भाई इससे ऊपर नहीं हिम्मत हो रही एंड थोड़ा माइक सेटअप भी हमने चेंज किया पहले से, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे, तो यार वो भी कमेंट करके थोड़ा हेल्प कर दो, बता दो कि भाई अब आवाज़ ऊपर सही आ रही है नहीं आ रही है। और बहुत ही कंफर्टेबल जैकेट यार, मज़ा आ रहा है आज तो, वैसे वेदर अच्छा, वरना ये सारे मैश वगैरह खोल के आप और हवा अंदर अपने ले सकते हो अपने अंदर, मतलब शरीर को। गंदी सोच, गंदी सोच, गंदी सोच। बस अभी अगला माइलस्टोन 100K का है, 10K होपफुली एक दो दिन में क्रॉस हो जाएंगे। और बारिश तेज़ हो गई है, ब्रिज पे चढ़ते ही बारिश का फुहार, ओह माय गॉड। एंड मुझे ना बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई हम ये मेंबर्स ओनली का क्यों कर रहे हैं,
बिकॉज यार मैंने बहुत नोटिस किया है कि बाकी आलतू फालतू छपरी लोग ना आगे कमेंट करते हैं कि ये कर रहा है वो कर रहा है, तो उस चीज़ से बचने के लिए ताकि जो जेन्युइन लोग हो सिर्फ वही देख पाएँ, जेन्युइन लोग जो सच में दिल से समझना चाहते हैं कि मोटो ब्लॉगिंग क्या है खाली वो लोग फॉलो करें। मैंने पूरी कोशिश करी यूट्यूब से कि मैक्सिमम लोएस्ट से लोएस्ट 89 रुपीज़ का पैक बन रहा है एक मंथली, एंड उसके बाद वो एक्सक्लूसिव है वीडियोस के लिए, मतलब उसमें मैं एक्सक्लूसिव टू वीडियो मेंबर शेयर कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो आज लो इतने दिन बाद निकले और बारिश हो गई, तो अब ये अच्छा साइन है या बुरा साइन है तो हमें नहीं पता, बट छोटी सी राइड तो करके आनी बनती है इतने टाइम बाद जो निकले हैं। तो भाई आराम से चलाएंगे और नॉर्मल सिटी राइड करेंगे, थोड़ा बहुत भीगे भीगेंगे वापस आ जाएंगे, उससे ज़्यादा क्या ही कर लेंगे हम। अभी डर्ट वाला भी प्लान करना है, जो यहाँ पे डर्ट ट्रैक है, और एक प्लान हो रहा है वो है नेपाल की तरफ की यात्रा, तो देखते हैं भाई कौन सा प्लान कैसे सक्सेसफुल होता है। तो कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि भाई जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाए, और बाकी आप लोग देखो और ब्लॉग इन्जॉय करो। इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर रेन्स, तो देखते भाई डिपेंड करता है बारिश कितनी होती है उस हिसाब से, या तो कहीं साइड पर लगा देंगे या देखते भाई की फाइनल प्लानिंग होती है, तब तक बारिश में चलाते हैं क्यों नहीं, वाई नो द नॉट। बस अब गोप्रो की टेंशन है कि ये ना हो इसके चक्कर में गोप्रो फूक जाए, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ थोड़ी सी वर्षा ज़्यादा हो रही है, उस तरफ कम थी इधर ज़्यादा है, और लगा देखे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे लगाए थे, थोड़ी बारिश कम हो तो। आई थिंक बंद लग रहा है, सब गए। दिस इज़ वेरियन मैन अल्फा, और आज हम डुकाटी लेके आ गए हैं अपनी नई कार बुक करने। तो गाइज मैं पहले महिंद्रा गया था, महिंद्रा में मैंने थार 5 डोर की बात की थी, पर अभी तक उनका कुछ प्लान फिक्स नहीं हो रहा है कि कब तक लॉन्च होगा कब तक लॉन्च नहीं होगा। तो हमने सोचा यार कि 2-3 बाइक्स हैं उनको पीछे चढ़ा के लेके जाना होता है, तो चढ़ा के लेके जाने से अच्छा हम उसको ऐसी एक चीज़ ले लें जिसमें हम आराम से लोड करके लेके जाएँ। तो उसके लिए हम कहाँ पर आ गए, हम देखो हम आ गए टोयोटा, और टोयोटा में हम आए हैं हाइलक्स देखने। तो दिस इज़ द टोयोटा हाइलक्स 2023 मॉडल, एंड अभी कुंदन विल टेल अस मोर अबाउट द कार कि ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगा, कितना EMI पड़ेगा, कितना डाउन पेमेंट वगैरह, वो सब गाड़ी के बारे में कुंदन। दिस इज़ अ 2023 मॉडल, ओके। बेसिकली सर ये आप देखा जाए तो फॉर्च्यूनर का ही आपको इंटीरियर वगैरह देखने में, एंड इंजन लगेगा 2.8। अच्छा, बैठ के देख सकते हैं, थोड़ा सा सीट पीछे करना पड़ेगा आपको। तो गाइस अंदर से कुछ ऐसी दिखती है टोयोटा की हाइलक्स, ये इसकी ऑटोमेटिक वेरिएंट्स है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये इसका मेन कंसोल है जिसमें डोर ओपनिंग तक दिखा रहा है। पावर भाई ने बताया 2800 cc के आसपास है, जो हमारे लिए काफ़ी है। पैसेंजर एयरबैग्स है, टोटल कितने 7-8 एयरबैग्स है इसमें, सेवन एयरबैग्स के साथ मिल रही है, और ये तो हमारे लिए कुछ गलत लगा दिया उन्होंने, नो स्मोकिंग टाइप। फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है, हर गाड़ी में आता है, हर गाड़ी में स्टैंडर्ड बेस में भी आ रहा है, बट बेस मॉडल जो है मैनुअल ट्रांसमिशन वो उसमें, लेकिन 80 स्पीड लिमिट के साथ आएगा, लाइक आपका कमर्शियल व्हीकल में, ठीक है, ऑल व्हील ड्राइव के लिए ना 80 बहुत है यार, 80 में तो मतलब गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव क्या है उस टाइम पे थी जब गाड़ी फंस गई है मेन, तो अदरवाइज हमने क्यों ही खींचनी है ऑल व्हील ड्राइव में। बिल्कुल बिल्कुल, तो बेसिकली एसी टाइप का रहेगा, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है, यस 12 वोल्ट आएंगे, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है, हिल डिसेंट है जैसे अपनी एक्सयूवी में भी है। कितना 10 इंच का है, टच है ये 8 इंच का है, टच है जी, टच स्क्रीन। तो अभी तो हम टेस्ट ड्राइव नहीं लेंगे क्योंकि थोड़े शूज वूज वैसे पहन रखे हैं, पर अभी किसी को मैं ड्राइवर अरेंज कर देता हूँ, फिर वो चला लेंगे, आप फील ले लीजिएगा एक बार, फील तुम चला के लेंगे ना भाई। 50 लाख रुपए दे रहे हैं तो फिर फील तो चला के लेंगे कुंदन। तो भाई जो मेन चीज हम सोच रहे हैं वो है कि ये कलर तो नहीं आएगा घर पे, क्योंकि डुकाटी भी लाल है, वो सब लाल है, तो आएगा तो यही कलर आएगा, और
मेरे ख्याल से इसका हम पीछे 18 इंच के अलावा डले हुए हैं भाई इसमें, और पीछे से कुछ ऐसी सी दिखती है बस, ये जो फील आता है ना ये इसूसों में नहीं है। एंड भाई वेट कैरिंग कैपेसिटी भी आराम से तुम इसमें चढ़ चुड़ सकते हो, और बेस्ट इसलिए कि यार अपनी दोनों बाइक के एक बार में लोड हो जाएंगे, एक इधर एक उधर, जो हमने एक्सेसरीज मिल जाएगी डालने वाला, जो वो मेरे पास है वो भी है, जहाँ जिसमें व्हील चोक जिसको बोलते हैं जिसमें अटकता है वो भी है, वो सब ले रखा, बस गाड़ी की कमी। एंड इसका नीचे ही आता है नहीं ग्राउंड, एक्स्ट्रा टायर, एक्स्ट्रा टायर तो हर है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा टायर है जैसे एक्सयूवी में लगा, ऊपर से नट से स्क्रू करो और नीचे से खोल दो। एंड टोटल लेंथ कितनी, 3 मीटर है, ज़्यादा है। तो गाइस अभी कुंदन भाई से बात तो हो गई है, गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, आगे की क्या प्लानिंग रहती है वो भी देखते हैं, पीछे से कुछ ऐसी सी लगती है। एंड कुंदन भी यही कह रहा है कि भाई लाल में लो, लाल ज़्यादा अच्छा कलर है और गाड़ी के साथ भी सही जाएगा, आगे से देखते हैं इसको। भाई बोनट ओपन करके कुछ ऐसा दिखता है, 2.8 V डीजल इंजन, ओके। इसका कूलेंट नहीं, ये तो वॉशर का हो गया, ये कूलेंट वो रेडिएटर का हो गया, ये आपका एड ब्लू जाएगी यहाँ पे। यार वहाँ पे बाइक आ जाएंगी पीछे, पूरा खानदान आ जाएगा इसमें। तो भाई ये वाइट कलर में भी अवेलेबल है, और लोग बाहर ज्यादा के डुकाटी का फोटो शूट चल रहा है वहाँ पे, डुकाटी का बाहर फोटो शूट शुरू हो गया, हम अंदर अपनी गाड़ी लेने आए हैं। तो ये गाइस वाइट में दिख रही है एक टोयोटा हाइलक्स, ये भी अच्छा लग रहा है कलर, बट यार दिल तो रेड पे आ रखा है, तो भाई रेड रेड है, तो देखते हैं आगे क्या। कुंदन जल्दी आते लेके जाते इसको, आजकल वैसी थोड़ी हाइप बनी हुई है इसकी। चाचा ने जो ब्रेक मारी है अब यहाँ पे स्टारबक्स तो ये रहा, अब यहाँ रुक के मैडम को फोन करो। टाइम हमारे पास है नहीं, नहीं भैया इतने में अगर किसी का पिछवाड़ा आ जाता है तो ठीक है वरना नहीं बैठ सकता। वाह तो भाई ऐसी लगती है गरम गरम डुकाड़ी V4S, ओ हो और ये तो आप लोगों को पता ही है क्या है। और बहुत सही लगा था यार, मुझे एक बंदे ने मैसेज किया कि ये बैरन अल्फा एक नाम नहीं है, बैरन अल्फा एक ब्रांड है। कैसे हो, ठीक हो? अरे वाह यार, मैं तो बिना गुड़ी रहता हूँ ना, वहाँ लोग जानते हैं। किस देगा भाई, क्या तो भाई भाई लोग मिल गए इतने सारे, सारे के सारे भाई लोग। साउंड भैया साउंड, बिल्कुल भाई, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे के सारे जाके सपोर्ट दिखाओ। चले भाई
भाई कितने सारे भाई लोग मिल गए। तो यही है पावर भाई, और कुछ भाई लोग तो हमें वीडियोस भी देखते हैं तो अच्छा लगता है जब अपने भाई लोग मिलते हैं और कहते हैं कि सर हम आपको देखते हैं, हमें अच्छा लगता है आपके व्लॉग्स। तो यही मोटिवेशन चाहिए भाई लोग। तो इससे पहले दोबारा बारिश शुरू हो वापस चलते हैं। तो प्रोडक्टिव था आज का, बाहर निकले, थोड़ा हवा निकली, हवा आई हवा लगी तो अच्छा लगा। तो अभी वापस चलते हैं घर और बाकी व्लॉग बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप गाइस आपको व्लॉग अच्छा लगा तो यू नो व्हाट इज इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लेट्स टेक वैन अल्फा टू वेयर इट एक्चुअली बिलोंग्स। कुछ नहीं पहनते, प्रेफर ही नहीं करते पहनना, थक गया ये चीज़ बता के। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि यार तुम 25-25 लाख की या 3-3, 4-4 लाख की बाइकें खरीद सकते हो, पर एक तुम हेलमेट नहीं खरीद सकते 10,000 का अच्छा था, क्योंकि तुम उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तुम्हें लगता है कि वो फालतू की इन्वेस्टमेंट है, उससे अच्छा एक दो छपरी रैप करा लेते हैं उसी 10,000 का। तो ये चीज़ गलत है। तो कुछ वुमेन पुलिस वाले भी यहाँ पे एक अपनी अपनी स्कूटियों पे राइड पे जा रहे, जैसे आप देख सकते हो सारे मैम लोग पीछे पेटेंट टांग के बिल्कुल नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, बहुत ही उमदा, बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसे। तो गुड, प्राउड ऑफ यू, शाबाश। गुड जॉब। तो हम यहाँ पे आए थे कल सोनी के शोरूम में कैमरे का पता करने व्लॉगिंग का, बट यहाँ पे यार सिलीगुड़ी में कहीं व्लॉगिंग कैमरा ही नहीं है। हमने सोचा नए कैमरे पे अपग्रेड करना चाहिए ताकि आप लोगों को वो क्वालिटी मिले जो आप लोग क्वालिटी मांग रहे हो। तो नहीं है, क्या करें, बाहर से मंगाना पड़ेगा, दुबई से मंगा लें।